नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सबसे आसान तरीके से डबल टू नंबर की हेल्प से तोता और बतख का चित्र बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक टू नंबर आप इधर लिखेंगे, एक टू नंबर आप यहाँ पर ऐसे आसानी से लिख दीजिएगा। इससे आसान आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। देखिएगा, डबल टू नंबर लिखने के बाद ये वाला सिरा आप ऐसे नीचे की तरफ मिलाइएगा और जस्ट इसी के आगे ही आपको एक छोटा सा सी लेटर लिखना होगा। सी लेटर लिखने के बाद यहाँ से इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए ऐसे ले जाएंगे। हल्का सा आप इसको अंदर की तरफ करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। जस्ट आगे ही इधर एक ऐसे लाइन बनाएंगे, एक लाइन इधर बनाइएगा, इधर अंदर के साइड में कर देंगे। आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही आसानी से तोता और बतख का चित्र बनाना आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। पहले हम इस तोता को बना लेते हैं, यहाँ पर डबल करिएगा, इसको इधर ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर एक ओवल शेप बना दीजिए। अब दोस्तों, एक छोटा सा वी लेटर लिखेंगे और यहाँ से एक लाइन इधर बढ़ाइएगा, ऊपर की तरफ आप ऐसे बढ़ा देंगे। एक और छोटा सा आप ऐसे पतला सा वी लेटर लिख दीजिएगा, छोटा सा आप यहाँ पर आसानी से पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से ऐसे आप लाइन को बढ़ाते जाइएगा। एक बार आप फिर से इधर ऐसे रिपीट कर देंगे, नीचे के साइड में भी आसानी से ऐसे बढ़ा दीजिएगा, ऊपर की तरफ भी आप ऐसे बना देंगे। अब हम बनाएंगे टू नंबर की हेल्प से बतख का चित्र। देखिएगा, आगे आपको एक बड़ा सा वी लेटर लिखना है, छोटा सा एक पॉइंट लगाइएगा। इस वाले सिरे को हमें डबल कर देना होगा, ऊपर के साइड से इधर से ऐसे ले जाना है, हल्का सा ऊपर करेंगे, ये मिलाइए। इसको नीचे की तरफ ले जाते हुए अंदर बाहर के साइड में करते हुए आसानी से आप मिला दीजिएगा। यहाँ से भी आप ऐसे ऊपर के साइड में मिला देंगे। लाइनें आप ऐसे बना दीजिए इधर। लाइन बनाने के बाद आपको इधर ऐसे वाटर बना देना है। तो ये आसानी से हमारा बतख का भी चित्र बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आपका अगर कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।